आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफेल सिंबल्स पजेस ग्रुप प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट टेंसर, कंट्रावेरिएंट टेंसर, ये सभी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को रखते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं ग्रुप प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टोफेल सिंबल्स के बारे में कि क्रिस्टोफेल सिंबल्स भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को रखते हैं। सो लेट आई जे के बार एंड आई जे के डबल बार, ये क्रिस्टोफेल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड हैं। सेकेंड काइंड फर्स्ट काइंड से ही बनता है। सो लेट दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रिस्टोफेल सिंबल्स इन एक्स आई, एक्स बार आई एंड एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ कि ये एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो अपने को क्या प्रूव करना है? देन इफ रिलेशन जो है एक्स आई टू एक्स बार आई में रिलेशन हो, एक्स बार आई टू एक्स डबल बार आई में हो, देन वी हैव टू शो एक्स आई टू एक्स डबल बार आई में। तो इस प्रकार से इस रूल को फॉलो करता है ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल, तो उसे बोलेंगे यह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को रख रहा है। क्लियर है? तो देखिए, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रूल दोनों जानते हैं, यानी बार से नॉन बार में भी, नॉन बार से बार में भी। तो इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी सीधे वैल्यू हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बार से नॉन बार के लिए आई जे के इज इक्वल टू, यदि हमने लिख दिया ए बी सी नॉन बार, तो यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में अपर इंडेक्स आई है और लोअर जे के हैं बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, ये ए है। तो ठीक, यदि पी क्यू आर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पी है तो यहाँ पी लिखते हैं। अब यहाँ पर बी है तो डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, इधर ये बार में जे है, फिर डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के। तो ये ध्यान रखना है कि इधर हम लोग जैसे कोई सिंबल पी क्यू आर लेते हैं तो पी है तो यहाँ पी, क्यू आर है तो यहाँ क्यू आर, यदि बी सी लिए तो ये क्लियर है। फिर प्लस, अब यहाँ पर है डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए और डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार के। यहाँ पर ए डमी है, ए के स्थान में आप बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये होता है। समझ में आ गया? इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, डबल बार से सिंगल बार। तो जैसे सिंगल बार से नॉन बार में किए हैं, तो जहाँ जहाँ एक बार लगा दो बार लगा देंगे, जहाँ बिल्कुल नहीं लगा वहाँ एक लगा देंगे। समझ में आ गया? तो लिखेंगे इसी प्रकार, यहाँ लिख दिया हमने पी क्यू आर डबल बार। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं आई जे के।
आई जे के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आई जे के रूप में हम एक बार लिख चुके हैं, तो सीधे मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इंडेक्स नहीं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपर में पी है और लोअर में क्यू और आर है डबल बार में, तो राइट हैंड साइड में हर स्टेप में यही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सिंगल बार, तो डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डबल बार आर। तो देखिए पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर और ये आई जे के, तो आई जे के ठीक है। फिर प्लस, अब इसमें डेल एक्स डबल बार पी अपॉन, अब यहाँ पर डेल एक्स बार ए ली सकते हैं, तो डेल टू एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर, ये हो गया दो। तो बड़ा आसान है, इस रिजल्ट में जहाँ सिंगल बार है तो डबल कर देंगे, जहाँ पर नहीं है वहाँ सिंगल बार लगा देंगे, क्लियर है। अब एक और दो से अपना उद्देश्य है कि डबल बार से नॉन बार में रिलेशन लाना, तो लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, मीन्स इस बार की जो वैल्यू है इक्वेशन एक में यहाँ पर रख देंगे। तो एक और दो से ये हो जाएगा पी क्यू आर डबल बार इक्वल टू, अब इसके जगह में लिख देंगे ए बी सी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के प्लस डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार के। केवल हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं इनटू ये जो लिखा है इसको एज इट इज लिख देंगे डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डबल बार आर प्लस, और इसको भी ऐसे ही कॉपी कर देंगे, तो डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स बार ए डेल टू एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर। ध्यान देना है जो डमी इंडेक्स है वो अपनी सुविधा से आप कुछ भी ले सकते हैं, केवल क्या रखना है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू आर है तो हर स्टेप में पी क्यू आर होना चाहिए, जैसे पी क्यू आर जे के आई, तो देखिए ये जे के आई डमी है, बी सी ए ये डमी है, तो ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा कि इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आएगा और ये इसमें भी आएगा, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स राइट हैंड साइड में हमारे पास तीन होगी, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये हो जाएगा, तो पी क्यू आर डबल बार इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ध्यान देना है जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डेलेक्स बार आई डेलेक्स बार आई कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए, फिर इसके बाद जे और जे इससे कैंसिल होगा, तो डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू, फिर इससे इससे कैंसिल होगा डेल एक्स के तो डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स डबल बार आर। ये समझ में आ गया होगा, वन टू थ्री ये तीन का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये तीन मिल करके क्या हो जाएंगे, इसका डेलेक्स बार आई कैंसिल
डेलेक्स डबल आर पी अपान डेलेक्स ए, फिर इसमें डेलेक्स बी अपान डेलेक्स डबल आर क्यू, डेलेक्स सी अपान डेलेक्स बार आर। पहला स्टेप समझ में आ गया। प्लस नेक्स्ट स्टेप को आपको समझना है कि जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें ये जो है डेलेक्स बार आई डेलेक्स बार आई कैंसिल होगा, ये बचेगा डेलेक्स डबल बार पी अपान डेलेक्स ए, डेलेक्स डबल बार पी अपान डेलेक्स ए, ये हो गया। और बाकी एजिटीज रहेंगे तो डेलेक्स डेल टू एक्स ए अपान डेलेक्स बार जे डेलेक्स बार के इंटू डेलेक्स बार जे अपान डेलेक्स डबल बार क्यू डेलेक्स बार के अपान डेलेक्स डबल बार आर। और लास्ट स्टेप भी ऐसे ही रहेगा, तो प्लस डेलेक्स डबल बार पी अपान डेलेक्स बार ए इंटू डेल टू एक्स बार ए अपान डेलेक्स डबल बार क्यू डेलेक्स डबल बार आर। तो बहुत आसान है, केवल आपको इसका मल्टीप्लाई करना है दोनों स्टेप में, और ये एजिटीज है तो कुल जो है तीन पद हैं राइट हैंड साइड में। लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब अपना उद्देश्य क्या है, जहाँ पहुँचना है उसको समझना है। अपना उद्देश्य है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कि नॉन बार से डबल बार में रिलेशन हो। तो यहाँ क्या है, ये डबल बार। अब डबल बार से यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहले स्टेप में तो अच्छा है, ये डबल बार और नॉन बार में रिलेशन है। इसमें डबल बार भी है और सिंगल बार भी है, इसमें भी सिंगल बार भी है डबल बार भी है। तो ये हमको क्या करना है, इस पूरे में दाहिने पक्ष में डबल बार और नॉन बार होना चाहिए। अपना उद्देश्य समझ में आ गया कि राइट हैंड साइड में अपनी जो वैल्यू है वो डबल बार और नॉन बार होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कुछ इसको देख करके ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, जिससे ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा डबल बार और नॉन बार में। तो यहाँ पर हमको ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, तो देखिए अगला स्टेप क्या लिखते हैं, इसको आगे करते हैं हम लोग। तो अब देखिए, अब हम लोग जो रिलेशन प्राप्त करना है डबल बार से नॉन बार में, तो एक प्रतिस्थापन लेना है इसी इक्वेशन नंबर लास्ट इक्वेशन से, यानी इक्वेशन नंबर थर्ड से। सो लेट डेल डेल टू एक्स से अपान डेलेक्स बार डेलेक्स बार के से लेंगे डेलेक्स ए अपान डेलेक्स बार जे इंटू डेलेक्स बार जे अपान डेलेक्स डबल बार क्यू। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से लेते हैं हम लोग डेलेक्स ए अपान डेलेक्स बार जे, डेलेक्स बार जे अपान डेलेक्स डबल बार क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेलेक्स ए अपान डेलेक्स डबल बार क्यू। इसमें कैंसिल हो जाएगा ना, यानी इसी को तो हल करना है अपने को। तो डेलेक्स ए अपान डेलेक्स बार जे, डेलेक्स बार जे अपान डेलेक्स डबल बार क्यू इज इक्वल टू डेलेक्स ए अपान डेलेक्स डबल बार क्यू। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डेलेक्स डबल बार आर से, एक्स डबल बार आर से। सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल बार आर, एक्स डबल बार तभी तो ये रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, और ये भी ध्यान देना है कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डबल बार कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बार हो रहा है। जैसे कोई प्रश्न है साइन एक्स लिखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है टी के सापेक्ष, तो पहले लिखते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स और डी एक्स वाई डी टी। तो वैसे ही इसमें हम लोग अवकलन करते हैं डबल बार के सापेक्ष, और इसका होता है बार के सापेक्ष, तो पहले बार के सापेक्ष करेंगे फिर डबल बार, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डेल टू एक्स ए अपान डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार के डेल एक्स बार के अपान डेल एक्स डबल बार आर।
सेकंड एज इट इज डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू प्लस डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार जे एज इट इज, इसका तो हो रहा डबल बार के सापेक्ष तो सीधे हो जाएगा, तो डेल टू एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर इज इक्वल टू, इसमें भी डबल बार का सापेक्ष हो रहा है तो हो जाएगा डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर। अपने को क्या चाहिए तो देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में लिखा है डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार के, फिर है डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डबल बार आर डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बार क्यू। इसमें और क्या बढ़ा हुआ है, 1 2 3 4 चार पद हैं, इसमें 1 2 3 हैं, चौथा है डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए, इसकी वैल्यू निकालनी है तो पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए का। सो नाउ मल्टीप्लाइंग बाई डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए, ऐसा करने से हमारा जो राइट हैंड साइड का दूसरा पद है वो मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे तो डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार के डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डबल बार आर डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू प्लस यहाँ भी कर देंगे तो डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार जे डेल टू एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर इज इक्वल टू, यहाँ भी गुणा हो जाएगा डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए इंटू डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर। यह हो गया इक्वेशन 4। तो देखना है कि इक्वेशन नंबर 3 जो लिखा हुआ है उसमें राइट हैंड साइड का जो सेकंड टर्म है उस पूरे की वैल्यू मिल गई, तो उसकी वैल्यू अपने को यहाँ रख देना है। कहने का मतलब ये कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, तो ये हो जाएगा 3 में है पी क्यू आर डबल बार इज इक्वल टू ए बी सी डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स डबल बार आर। ये तो एज इट इज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गया, राइट हैंड साइड का जो पहला स्टेप है उसको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख देना है क्योंकि वो तो बना हुआ है रिलेशन में। फिर अब देखिए प्लस, अब आती ही बात सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर माइनस डेल एक्स डबल बार पी, अब देखिए इसमें ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन डेल एक्स बार जे और डेल टू एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर। ये लिख दिए सेकंड स्टेप में, लास्ट वाला स्टेप है प्लस डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स बार ए और डेल एक्स डेल टू एक्स बार ए
अपॉन डेल एक्स बार क्यू डबल बार क्यू डबल बार आर। तो इस पूरे इक्वेशन को आप गौर से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है डबल बार में पी क्यू आर, पी ऊपर है क्यू आर नीचे हैं, राइट हैंड साइड में भी पी क्यू आर देखना है, बाकी जो इंडेक्स हैं वो डमी इंडेक्स हैं, अपनी सुविधा से हम चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया, राइट हैंड साइड का पहला पद तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये रिलेशन है डबल बार और नॉन बार में। दूसरा पद देखिए, ये भी जो है नॉन बार और डबल बार में है। तीसरा और चौथा पद देखिए, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो यहाँ पर देखना है कि पी क्यू आर ये तो फ्री इंडेक्स है, इनको नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है डेलेक्स बार जे, यहाँ भी क्या है बार जे, जे क्या है डमी इंडेक्स है, इसमें ए डमी इंडेक्स है। तो या तो आप जे को ए कर दीजिए अथवा ए को जे कर दीजिए, क्लियर है। जैसे मान लीजिए हमने जे को क्या कर दिया ए, यहाँ पर कर दिया ए, तो एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो अपने को क्या बचा, जो बचा वो ये देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू आर डबल बार इज इक्वल टू ए बी सी नॉन बार सिंपल ए बी सी डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स डबल बार आर। ये हो गया पहला स्टेप राइट हैंड साइड का, प्लस दूसरा स्टेप डेल एक्स डबल बार पी अपॉन डेल एक्स ए डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर। तो गौर से देखें हम लोग कि ये डबल बार से नॉन बार में रिलेशन है, ये लास्ट रिलेशन जो है ये आर है, ये रिलेशन क्या है डबल बार से नॉन बार में। सो व्हिच इज ए ट्रांसफॉर्मेशन रूल बिटवीन डबल बार टू नॉन बार, यानी एक्स डबल बार आई टू एक्स आई, तो ये रिलेशन हो गया एक्स डबल बार से एक्स सिंपल एक्स डबल बार आई से ये। देयरफॉर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफेल सिंबल्स पजेस ग्रुप प्रॉपर्टी आर ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी एंड हिज प्रूफ।